स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गोरखपुरी क्नीटिंग विथ वंदना में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही खूबसूरत सा तोरण, जो कि बहुत ही प्यारा है और इसको बनाना एकदम ही आसान है। दो कलर का ऊन है, लाल और पीला, और इसमें कुछ मोती लगे हुए हैं। ठीक है, क्रोशिया हुक नंबर हमारा 3 mm है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करें, चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, इसका जो है वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, मतलब अपने चैनल पे। ठीक है, तो इसी पट्टी में आज हम इसके नीचे का डिज़ाइन जो है बनाएंगे, और बनाएंगे इसी दो कलर में बनाएंगे हम, ये देखिए लाल और पीले कलर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे पीले कलर का ऊन लगाएंगे। और एक बात और मेरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए पीले कलर का ऊन लेंगे हम, और यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे। ठीक है, गांठ लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया, ठीक है, यहाँ पे हम ऊन को ऐसे डालेंगे और यहाँ पे ऐसे निकालेंगे और बनाएंगे तीन चैन। ठीक है, तीन चैन मीन्स आपका एक डबल क्रोशिया जो है बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी में से एक बार और बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे। ठीक है, टोटल हमें जो है तीन डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक दो चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद यहाँ पे देखिए बीच में एक, ये देखिए एक दो तीन, एक दो दो चैन, दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया में जो है फिर से हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, एक ही चैन में हमें बनाना है तीन डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे दो, ये तीन। ठीक है, तीन डबल क्रोशिया बनाए, फिर से दो चैन, फिर जैसे हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दो जाली छोड़ी हुई है, मतलब दो सिंगल क्रोशिया वाला, तो एक दो छोड़ेंगे और यहाँ तीसरे वाले में फिर से बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, तो तीन, ठीक है, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से यहाँ पे दो चैन लगाएंगे हम, एक दो, दो चैन लगाएंगे और यहाँ पे देखिए एक दो छोड़ेंगे और यहाँ पे तीसरी वाले में जो है फिर से बनाएंगे हम तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए डबल क्रोशिया जो है हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल हमें 20 चैन लगाने हैं, 20 चैन लगाने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। ठीक है, 20 चैन लगा लेंगे। 20 चैन लगाने के बाद जो है हम ये जो है ना डिज़ाइन, इसको पूरा छोड़ देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, टोटल 9 सिंगल क्रोशिया है हमारा, और 9 में जो है ये 10 में हमारा ये बना, एक पे ये हमारा बना, तो एक इसको पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कोने में यहाँ पे जो है सिंगल क्रोशिया, इसी में बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर से वही सेम जैसे हमने इधर बनाया ना वैसे ही हमें इधर भी बनाना है। यहाँ पे देखिए फिर से दो सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक दो, और ये जो तीसरा वाला है ना इसमें बनाएंगे फिर से हम जो है तीन डबल क्रोशिया। अगर आपको थोड़ा सा सिकुड़न लगे या लटका लगे ना, तो आप थोड़ा सा जो है चैन की संख्या बना सकते हैं। अगर आप सिंपल पट्टी पे बना रहे हैं तो भी बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर से यहाँ पे देखिए एक दो छोड़ेंगे और ये तीसरी वाली में बनाएंगे फिर से तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन। ठीक है, फिर से बनाएंगे दो चैन, फिर एक दो तीन, दो छोड़ेंगे और तीसरी वाली में बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा चार बन गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस, 20 चैन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जहाँ पे ये चार डबल क्रोशिया पूरा हो रहा, मतलब चार बार ये डिज़ाइन हो रहा ना पूरा वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मैंने पहले वाला जो ये जाली बनाया है ये चैन वाला, इसमें कितने जो है सिंगल क्रोशिया छोड़ने, सेम ऐसे ही हमें छोड़ने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ,
नौ सिंगल क्रोशिया हमने छोड़ा है तो नौ हमें इधर भी छोड़ना है, ठीक है। तो आप देखिए एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है। तो यहाँ पे हम नौ छोड़ने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, इसी में दो डबल क्रोशिया और। तो आपको सेम बीच में नौ नौ सिंगल क्रोशिया छोड़ के जहाँ पे हम नौ नौ सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे वहाँ पे जाली बनाएंगे, ये देखिए वहाँ पे जाली बनाएंगे। और नौ सिंगल क्रोशिया के बाद से चार बार हम तीन तीन डबल क्रोशिया वाला बनाएंगे, जिसके बीच में हमें यहाँ पे दो दो जाली दो दो सिंगल क्रोशिया छोड़ना है, जो बीच का जाली होता है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये पूरी बना लेनी है, जितनी बड़ी पट्टी है हमारी पूरी बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पहला लाइन हमने बना लिया है, टोटल हमारा 11 जो है डिज़ाइन बना है ये चार चार वाला, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे दूसरा कलर लगाना है जो है लाल वाला। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट हो गया, तो यहाँ पे चार है ना, फिर इसको हम ऐसे जो ये लास्ट है इसको ऐसे पीछे की आगे की तरफ घुमा लेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे एक स्लिप स्टिच, फिर इसके बाद लगाएंगे एक स्लिप स्टिच और यहाँ पे इसके बीचों बीच में आएंगे ऐसे, ठीक है। तीन स्लिप स्टिच लगाने के बाद फिर से हम तीन चैन करेंगे, ये जो जाली है इसी में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, और ये देखिए ये वाला हमारा एक जो तीन चैन है एक डबल क्रोशिया ये हो गया, ठीक है। फिर से दो चैन लगाएंगे, फिर इसी में बनाएंगे हम एक दो, तीन तीन। अब ऐसे आप करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये जाली जो है कुछ ज़्यादा लग रही हो, ये वाली जाली, ठीक है, तो इसको आप कम कर लीजिए, बिना चैन का ही बना लीजिए, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे एक लगाएंगे, नीचे चैन हमने इसलिए लगाया है कि ये जो पट्टी का डिज़ाइन हमारा फूल वाला है सिंपल नहीं है ना, इसकी वजह से लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चैन लगाएंगे, एक चैन लगाने के बाद फिर जो है अगले वाले में यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक चैन लगाएंगे, फिर अगले वाली में बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें फिर से दस चैन लगाना है, यहाँ पे टोटल हमने बीस लगाया था तो इधर से हमें दस लगाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। दस चैन लगाना है हमें, दस चैन लगाने के बाद इसी के अंदर हमें ऐसे जो है तीन डबल क्रोशिया बनाना है, दो तीन, ठीक है। तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे हम, फिर से दस चैन बनाएंगे, एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये जो तीन डबल क्रोशिया इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे जो दो चैन का गैप था वहाँ पे हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, ये जो गैप है, ठीक है। फिर से एक चैन लगाएंगे, फिर इसके बीच में बनाएंगे एक दो तीन, ठीक है, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसके बीच में बनाएंगे एक दो यहाँ पे जो है तीन तीन चैन, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे दस चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन लगाएंगे और ये जो बीस जाली था बीस चैन था हमारा इसी में हमें तीन डबल क्रोशिया बना लेना है, एक दो तीन, ठीक है। फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बनाएंगे हम। दस चैन बनाने के बाद ये जो तीन डबल क्रोशिया इसको छोड़ के ये जहाँ पे दो चैन हम लगाए थे यहाँ पे हमें बनाना है तीन डबल क्रोशिया। तो सेम यही प्रोसेस जिससे हम जैसे शुरू से बना रहे हैं ना, यही चीज़ हमें करते हुए लास्ट तक लेके जाना है। ऐसे देखिए यहाँ पे है, अभी आपको डिज़ाइन उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा, जब पूरा बनाएंगे तब समझ में आएगा और वीडियो को फुल देखिएगा, ठीक है। तो ये वाली दूसरी लाइन भी हम पूरी कर लेते हैं पूरी लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए ये हमारा जो है दूसरा लाइन भी हो गया पूरा, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा दूसरा लाइन भी हो गया है पूरा। अब हम यहाँ से तीसरा लाइन जो है शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे आगे की तरफ घुमा लेंगे, ठीक है। आगे की तरफ घुमाने के बाद
यहाँ पे जो डबल क्रोशिया इसके बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर बीच दूसरे वाले सिंगल और डबल क्रोशिया के बीच में ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ तीसरे वाले में ऐसे यहाँ पे जहाँ पे जाली है एक हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे और इसी में फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक दो और ये तीन चैन वाला एक काउंट हो गया, तीन डबल क्रोशिया हो गया। फिर अगले वाले में जाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे एक दो तीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में हमारा चार था, फिर तीन है, फिर दो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम दस चैन लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन लगाएंगे। अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया था, एक यहाँ पे इसके इस तरफ बनाना है और एक इस तरफ, ठीक है। तीन तीन डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमारा दो बार हो जाएगा जो है तीन तीन डबल क्रोशिया वाला, ये जो डिज़ाइन है दो बार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे, ये देखिए तीन हो गया हमारा, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक चैन लगाएंगे और इसके ये जो तीन डबल क्रोशिया इसके जस्ट बगल में बनाएंगे, एक दो तीन डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन लगाएंगे। फिर अब इस वाले डिज़ाइन पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा तीन है, तो यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और यहाँ पे जो बीच वाला है यहाँ पे बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, एक चैन, फिर यहाँ पे बीच में एक दो तीन, ठीक है। अब देखिए चार था, तीन था, फिर दो हो गया, फिर यहाँ पे दस चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात आठ नौ दस, दस हो गया। दस के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए ये जो तीन डबल क्रोशिया, तीन इधर बनाएंगे, तीन इधर बनाएंगे, सेम ऐसे ही जैसे मैंने पहला वाला बना के दिखाया है, ठीक है। शुरू में तीसरे लाइन का तीसरा, ये जो डिज़ाइन का तीसरा लाइन है उसका जो पहला लाइन मैंने मतलब पहला डिज़ाइन बनाया है वैसे ही तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर तीन डबल क्रोशिया, तो ये वाला लाइन भी हमारा पूरा ऐसे ही बनते जाएगा। वीडियो फुल देखिएगा क्योंकि इस पर जो हम फ्लावर लगाएंगे ना वो बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत सा बनने वाला है। ये जो है फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं जैसे नवरात्रि हुआ हमारा, दिवाली हुआ, उन सब पे आप ये तोरण गेट लगाएंगे ना तो बहुत ही, क्योंकि पीला और लाल हमारा शुभ कलर होता है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर से अपने द्वार पे लगाइएगा, देखिएगा बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये घर में ज़रूर मतलब जो आपका गेट होगा ना, मैं पूजा मंदिर पे भी लगा सकते हैं, उसमें चार चांद लगा देगा ये गेट। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये बनाया है यहाँ पे, ऐसे ही आपको ये तीसरी वाली लाइन जो है पूरी कर लेनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे पूरा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा तीसरा लाइन भी पूरा हो गया और कुछ इस तरह से हमारा जो है बर्फ़ी की तरह बैठ रहा है। लेकिन डिज़ाइन आप इतना ही देख के मत सोचिएगा कि बस ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक। अब हमें यहाँ पे मैंने जो है स्लिप स्टिच लगाते हुए बीच में कर लिया है जहाँ पर हमने एक एक चैन लगाया था, ठीक है। इसके बीच में जब हम आएँगे तो तीन चैन भी लगा लिया है और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक दो, टोटल ये तीन चैन वाला लेके हो गया हमारा तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बनाने के बाद जो है यहाँ पे जो हमने तीन बनाया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाएंगे फिर से एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, यहाँ पर हो गया हमारा जो है से तीन डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक चैन, फिर यहाँ पे देखिए दो डबल क्रोशिया हम बनाए हैं तो इसके बीच में बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे, फिर इस यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, तो यहाँ पे जब तक पाँच नहीं बनेगा तब तक हम बढ़ाते जाएंगे। इस बार देखिए जब आएंगे तो ये एक यहाँ बनेगा, एक दो तीन और एक इधर बनेगा चार, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते हुए हम मतलब पूरा जाएंगे। फिर यहाँ पे बनाएंगे दस चैन, तीन चार पाँच छः
सात आठ नौ दस चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटेगा हमारा, तो दो डबल दो डिज़ाइन है तो इसके बीच में हमें बनाना है बस तीन डबल क्रोशिया। सिंपली तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा ये वाला डिज़ाइन अब ख़त्म हो जा रहा है। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो अगला लाइन ज़रूर देखिएगा। फिर से यहाँ पर बनाएंगे दस चैन, दस चैन बनाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए बढ़ा हुआ है ना यहाँ पे दो, तो एक यहाँ बनाएंगे एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी लाइन हम जो है बना के पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन का जो है चौथा लाइन बन गया है और ये ऊपर वाला डिज़ाइन हमारा पूरा हो गया है और ये अभी बीच वाला चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट में जब यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बना के और एक चैन लगा के जो है उनको ऐसे काट लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारा ये वाला जो है पूरा हो गया, अब हमें इसमें नहीं कुछ करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। दो पार्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये टोटल हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है। ग्यारह डिज़ाइन हमारा टोटल बना हुआ है, तो ग्यारह डिज़ाइन ऐसे करेंगे और ये जो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना हमारा ग्यारह डिज़ाइन, ये वाला बीचों बीच, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो ख़त्म हो गया है। तो इधर देखिए एक दो तीन तीन चार पाँच, पाँच इधर करेंगे हम और पाँच डिज़ाइन देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच इधर करेंगे, ठीक है। और ये बीच वाला हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हम बना के आपको दिखाते हैं। तो उनको लपेट लेंगे और यहाँ पे गांठ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ये पहला वाला डिज़ाइन पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया था तीन बार ये डिज़ाइन, उसके जस्ट इसके बगल में यहाँ पे ऐसे हम इसको ऐसे एक दो तीन, ठीक है, तीन चैन लगाएंगे और इसी में दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे। किनारे का जो चैन है और ये डिज़ाइन है इसको हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे एक चैन लगाएंगे, उसको थोड़ा इधर कर लेंगे, ठीक है। उसको इधर करने के बाद फिर से यहाँ पे जो है यहाँ पे बनाएंगे एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया एक चैन, फिर इसके बगल वाले में भी बनाएंगे एक दो तीन, ठीक है, तीन बना लिए। फिर एक चैन बनाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक दो तीन, ठीक है। तीन बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम लगाएंगे दस चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा बढ़ रहा है ना, फिर यहाँ पे दस चैन बना लेंगे और यहाँ पे हमें ये वाला ख़त्म करना है, यहाँ से इसके नीचे से दूसरा डिज़ाइन। तो यहीं पे दस चैन और लगाएंगे, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, शुरू में हमने बीस चैन लगाया था तो यहाँ पे भी हम बीस ही चैन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है तीन बार जो डिज़ाइन बनाए थे इसके बगल में जस्ट बगल में फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमें कहाँ तक बनाते हुए ऐसे ही आना है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा पूरा दिखाएंगे। तो देखिए एक दो तीन चार ये पाँच, ठीक है, पाँच यहाँ तक हम बनाते हुए आएंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच पे हमने बना लिया है, यहाँ पे ये पांचवा जो है ये पाँच हो गया हमारा और नीचे का जो डिज़ाइन था वो बनाया, छठा हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये छठा छोड़ देंगे, फिर से इधर से इसको देखिए एक दो तीन चार ये पाँच, ठीक है, ये छोड़ देंगे। अब जब इधर वाला पार्ट बनाएंगे तो इसको तो बनाना ही है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से हमारा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, फिर से जो शुरू में हम प्रोसेस कर रहे थे वही चीज़, इसको यहीं से घुमा लेना है, ठीक है। घुमाने के बाद यहाँ पर ऐसे देखिए स्लिप स्टिच करना है, फिर अगले वाले में स्लिप स्टिच करना है जहाँ पर एक चैन था, फिर एक दो तीन,
ठीक है। फिर यहाँ पे बनाएंगे दो डबल क्रोशिया ऐसे, एक चैन, फिर यहाँ पे एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है तीन। तो यहाँ पे हमारा जो है तीन डिज़ाइन बन गया। फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन लगाएंगे हम। दस चैन लगाने के बाद जो है यहाँ पे ये जो बीच जाली लिए थे यहाँ पे फिर से बीचों बीच हमें तीन डबल क्रोशिया बना लेना है। वही चीज़ जो हमने शुरू में किया था वही हमें दोहराते हुए यहाँ पे आना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ नौ दस, दस बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा बढ़ा था चार हुआ था ना, तो अब यहाँ पे हम घटाएंगे। फिर ये तीन डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन, तीन डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन बनाना है लास्ट तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। देखिए मैंने ये वाला लाइन भी पूरा अपना कर लिया है, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, छठवीं लाइन हमारी चल रही है, यहाँ पे लास्ट तक आ गए हैं और दो बार ये डिज़ाइन बना लिए हैं। अब ये तीसरी बार हम डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर इसको ऐसे एक चैन लगा के फिर इधर घुमा लेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक बार और स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने एक एक चैन लिया था वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा घट गया इधर से। अब इसके बीच में एक बार ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, एक दो डबल क्रोशिया और ये तीन तीन जो हमने चैन लिया था वो एक हो गया, ठीक है। एक चैन लगा के फिर यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे फिर से दस चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो तीन डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन है इसके एक बार इस तरफ बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक बार इस तरफ बनाएंगे। फिर से दस चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन लगाने के बाद जो है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा तीन है ना, तो यहाँ पे ये तीन डबल क्रोशिया के यहाँ बीच में जो जाली है यहाँ पे बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये वाला पूरा डिज़ाइन हमारा बनेगा दोनों तरफ का, ऐसे ही बनेगा। आप दोनों तरफ का बना लीजिएगा, एक बार देख लीजिए ध्यान से, मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है ना ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बनता जा रहा है। यहाँ पे हमने छोड़ दिया, अब ये दो हो गया है। फिर इधर से जब हम आएंगे तो एक हो जाएगा, तो ये वाला छूट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा बनाएंगे, ये वाला जो है पूरा बनाएंगे हम यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा बन जाएगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे ही जब तक लास्ट में नीचे जाके एक ना हो जाए तब तक ये डिज़ाइन हमें बनाना है। ये हमारा पूरा लास्ट तक बन के तैयार हो गया है और कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है यहाँ पे देखिए, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दो पार्ट में बना है ये, ठीक है। अब हमें इस पर फूल बना के लगाना है जो मैंने पहले से ही बना के रख लिया है, और उसका वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, तो फिर मैं अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे देखिए ये हमारे फूल हैं, जितने भी फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल, आप एक बार बार आपको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सारे हमारे फूल हैं, ठीक है। फूल जो हैं ये हमारे कुछ इस तरह से बने हुए हैं और कुछ हमारे जो हैं हाफ़ बने हुए हैं। ये देखिए ये बस तीन पंखुड़ी के बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका वीडियो मैं वो अपलोड कर दूंगी, अभी मैंने इस फूल का वीडियो जो है अपलोड नहीं किया है। बहुत ही प्यारा है और टोटल हमारा फूल जो है 42 फूल लगेगा ये हाफ़ वाले को लेके। हाफ़ वाला हमारा ऊपर का साइड जितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, टोटल 11 हमारा लगेगा। ऊपर हमारा 11 डिज़ाइन बैठा था ना, तो टोटल हमें हाफ़ वाला फूल जो है 11
बना लेना है, ठीक है। तो अब हमें इसको लगाना है, तो इसको लगाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, नहीं तो हम आपको इसी में दिखाते, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे बीचों बीच, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, लग रहा है ना, जितने भी डिजाइन है सब पे हमें एक एक चिपकाते हुए लगाते हुए जाना है। देखिए कितना खूबसूरत जो है हमारा गेट का डिज़ाइन लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए फूल को लगाएंगे कैसे, यहाँ पे ऐसे फूल को लेंगे और इस पर यहाँ पे बीचों बीच रखेंगे, ठीक है, और एक बार सुई को यहाँ से ऐसे डालेंगे, फिर यहीं से फिर अगले वाले में। जब हम इस तरह से फूल को जॉइंट करेंगे ना, तो ये फूल हमारा जो है बहुत अच्छे से बन बैठेगा, ठीक है। और फूल हमारा उभरा हुआ होना चाहिए, ये देखिए जितने अच्छे से आप इस पर टांक लगाएंगे, मतलब गांठ लगाएंगे, उतना ही अच्छा आपका फूल लगेगा। ऐसे जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे कहीं और ऐसे ले जाके हम इसको टाक लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फूल इस पर जो है टक गया। अब इसको हम पीछे की तरफ ला के गांठ लगा देंगे ऐसे, तो ऐसे ही हमें सारे फूलों को बनाना है, ठीक है। फिर कैंची की मदद से जो है ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फूल हमारा बन के तैयार हो गया है, ऐसे ही हमें सब पे लगाते हुए जाना। तो पूरा लगा सारा फूल लगा लिया है और इसके नीचे का झालर भी लगा लिया है, जो मैं भी आपको बना के बताऊंगी कि झालर मैंने इसको कैसे लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरफ का भी लगा लिया है और इस तरफ का भी लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बीच में जो है एक छोड़ दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए लाल कलर का ऊन लेंगे और इसको 23 बार लपेटेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। 23 बार लपेटने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे काट लेंगे, तोड़ लेंगे ऊन को, फिर इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे हाथ से निकालेंगे, यहाँ से फंसा के, और यहाँ पर इसको ला के ऐसे गांठ लगा देंगे, ठीक है। फिर एक बार और इसी में ऐसे करके फिर ऐसे गांठ लगा देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखिए एकदम बराबर ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे लपेट लेंगे ऐसे, ठीक है, 4 से 5 बार, 5 से 6 बार, जितनी बार आप लपेटे मजबूत जितना होगा उतना ही अच्छा है। फिर ऐसे गांठ लगा लेंगे, फिर एक बार और ऐसे गांठ लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है झालर बन के तैयार हो गया है, ठीक है। काटेंगे ये जो झालर है ना, इसको हम ऐसे काट लेंगे ऐसे बराबर से, यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो हमने इसको काट लिया ऐसे। अभी ये हमारा छोटा बड़ा है, तो इसको एक बराबर शेप में लाने के लिए इसको ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको ऐसे पकड़ लेंगे, और ये जो बड़ा ऊन है ना बचा हुआ, मतलब जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊन है, इसको हम ऐसे काट लेंगे बराबर से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है फुल राबन के तैयार हो गया है। अब इसमें सुई और धागे की मदद से जो है इसमें देखिए ऐसे गांठ लगाएंगे सुई और धागे में, गांठ लगाने के बाद जो है यहाँ पे देखिए इसके बीचों बीच से यहाँ पे ऐसे सुई को डाल देंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद से मोती आप जिस भी कलर का लगाना चाहते हो लगा लीजिएगा, हम क्रीम कलर का लिए हैं क्रिस्टल मोती। तो यहाँ पर 3 मोती लेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। 3 मोती लेने के बाद इसको यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ पे इसको ऐसे बीच बीच में ला के ऐसे गांठ लगा देंगे, ये देखिए एक बार और ऐसे देखिए, ठीक है, एक बार और आप लगा लीजिए, आपको जितनी बार मतलब मजबूत हो जाए इतना ऐसा गांठ लगाइए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए गांठ लग गया है हमारा, अब इसको ऐसे पलट देंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे, जितना थोड़ा नीचे ले जाके गांठ लगाएंगे ना, तो हमारा लाल कलर का जो ऊन है वो दिखेगा नहीं। फिर यहाँ पे लाके हम गांठ लगा लेंगे, यहाँ पे गांठ लग गया,
और यहाँ पे ऊन को काट लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ही हमें सब में लगाना है। देखिए यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ लगाए हैं, टोटल हमारा 20 जो है ये झालर लगा है। अभी हम आपको डबल करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, डबल करके दिखाने में देखिए आसानी होगा। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ठीक है, 14, 16, 18 ये 20 20 झालर हमें ऐसे लगाना है। और मूंगफली बनाना है हमें, यहाँ पे देखिए मैंने ये कुछ मूंगफली बना के रखा हुआ, मूंगफली में भी झालर हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने 2 12 का बना लिया है, 2 10 का बनाया है और 2 8 का बनाया है। ठीक है, ये देखिए ये 2 8 का हो गया हमारा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 तो ये दोनों 8 8 का हो गया, तो 16 है। और ये हो गया हमारा 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। और ये 2 10 का हो गया, ये 2 8 का हो गया और ये हो गया हमारा 2 12 का। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यानी 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। तो 2 12 का हो गया हमारा और जो है 2 10 का हो गया। और ये 3 देखिए ये हमें बीच में लटकाना है, तो ये बीच वाला भी हमारा 10 ही का होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, तो इसको हम बीच में लटकाएंगे। और ये वाला हमारा जो है किनारे किनारे के लिए, एक जो है 12 का और एक जो है 10 का ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे लटकाना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये इन दोनों को हमने सुई की मदद से इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पट्टी है ना, और यहाँ पे ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ से ऐसे जॉइंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, निकालने के बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा जॉइंट हो गया एक, और उसके बाद से क्या करेंगे, ये हमारा धागा छोटा है ना, तो थोड़ा इसको इधर ला के ऐसे यहाँ पे इसको निकाल देंगे। यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ ला के गांठ लगाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सुई में से हमारा जो है धागा निकल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पहले का धागा हमारा बचा हुआ, इसमें लेके हम इसको ऐसे अच्छे से जो है गांठ लगा देंगे। इसको जोड़ना बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब इजी सा तोरण डिज़ाइन हम आपको बना के बता रहे हैं। और इस नवरात्रि या फिर दिवाली अगर आप बना लेंगे तो आपके घर में जो है 4 चांद लगा देगा ये तोरण। ठीक है, तो ऐसे उनको कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो है झालर लग के तैयार हो गया है। ये बड़ा वाला बाहर रहेगा, छोटा वाला अंदर। अब बीच का हमें जो है क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 3 है, तो किनारे किनारे हमारा छोटा वाला होगा। ये देखिए ऐसे किनारे, और ये किनारे हमारा छोटा वाला होगा ऐसे। देखिए ऐसे ये बड़ा वाला, बीच में बड़ा वाला होगा। और इस पे लाके हमें इन तीनों को ऐसे टाक लेना है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही ज्वाइंट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है तोरण बनके तैयार हो गया और बहुत ही खूबसूरत सा तोरण लग रहा है। ठीक है, अभी हम इसको दीवार पे लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा पूरा रेडी हो गया है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा जो है तोरण बनके तैयार हो गया और कुछ इस तरह से लग रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा तोरण लग रहा है हमारा। अगर आप लोगों को मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।